अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो हम आपके किचन के लिए लाए हैं 6 सेंसिटिव, जो आपका काम भी बहुत अच्छा कर देगी, टाइम भी बचाएगी, पैसे भी बचाएगी और गैस भी बचाएगी। तो सबसे पहले हमारे टिप नंबर 1 है कि हम मेथी तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, मेथी के पराठे भी पसंद करते हैं, सब्ज़ी भी पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे पराठे लिजलिजे ना बने, ज़्यादा उसमें पानी ना रहे जिससे हमें आटा और डालना पड़े, और मेथी ज़्यादा रहे आटे में, और सब्ज़ी भी बनाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो कि गैस लगे फिर उसको सुखाने में। तो हमें क्या करना है, मेथी जब हम साफ़ कर लेते हैं ना तो धो के छन्नी में रख देनी है हमें। फिर हम जब छन्नी में मेथी रख देंगे ना तो क्या होगा कि सारा पानी निचुड़ जाएगा और मेथी में पानी नहीं रहेगा, फिर उससे क्या होगा, पराठे भी अच्छे बनेंगे, सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। तो ये टिप बहुत काम की, आप ज़रूर अपनाइएगा और कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगी। तो टिप नंबर 2 है कि हरा धनिया जो है आपको स्टोर कैसे करना है। तो हरा धनिया जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, थोड़ी डंडियाँ भी रहने दी है क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। तो इस तरह से यूज़ करें, खाली पत्ते पत्ते ना यूज़ करें, उसके थोड़ी सी डंडियाँ भी यूज़ करें जो सॉफ्ट वाली होती हैं। तो हमें सारा धनिया साफ़ कर लेना है और इसे धोना नहीं है बिल्कुल भी, और फिर इसे क्या करना है, कट कर लेना है। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर है, जैसे कांच का है, प्लास्टिक का है, जैसा भी आपके पास, या जिप्लॉक बैग है, आजकल जिप्लॉक बैग भी सब यूज़ करें तो वो भी आसानी से घरों में मिल जाते हैं। तो उसमें आपको क्या है, इसको रख देना, और फिर जब भी यूज़ करना थोड़ा सा धनिया स्पून की हेल्प से निकालना है, हाथ नहीं डालना है। हाथ डालने से क्या होगा, धनिया में नमी आएगी और वो ख़राब हो जाएगा। तो स्पून की हेल्प से आपको जितना धनिया यूज़ करना है उतना निकालें और धो के यूज़ करें। ये टिप आपके लिए बहुत काम आएगी विंटर में। तो टिप नंबर 3 है हमारी कि जब हम सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल खाते हैं तो उसका जो है ग्रीन गार्बेज काफ़ी सारा निकलता है। तो उस गार्बेज को क्या करना है आप लोगों को, कि अगर आपके पास घर में गमले हैं, पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो आप अगर खाद खरीदते हैं बाहर से, तो अगर आप इस गार्बेज को यूज़ करेंगे तो बाहर से खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो क्या करना है आपको खाद बनाने के लिए, इसे सिंपली मिट्टी जो गमले से निकाल देनी है और जो है सबसे नीचे इसको ग्रीन गार्बेज को जो है रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, और फिर आपको जो भी पौधा लगाना है वो लगा दो। और फिर ये जो है ग्रीन गार्बेज सड़ जाएगा, गल जाएगा, और जब रूट पौधे के नीचे तक जाएगी तो क्या होगा, खाद का जो है पोषण तत्व उसे मिल जाएंगे, प्लांट जो बहुत अच्छा सा बड़ा होगा, और आपको जो है फ्री में पौधा भी अच्छा ग्रो हो जाएगा और खाद भी मिल जाएगी। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत काम के, अगर आपके पास गमले वगैरह हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे गाय वगैरह को दे दें, ताज़ा जब भी आप साफ कर ले जाए गाय को दे दें और वो खा लेगी। तो टिप नंबर जो है ये वाली आपको कैसी लगी 3, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो टिप नंबर जो है अब हमारे आ गई है 4। तो इस टिप में आपको क्या करना है, गैस बचेगी इससे और टाइम भी बचेगा। तो जब भी आप दाल वगैरह बनाते हैं ना, कोई सी भी दाल बनाते हैं, तो आपको क्या करना है कि उसे अच्छे से वॉश कर लेना है, और बनाने से आधा घंटा पहले जो है, आधा घंटा पहले 15-20 मिनट पहले तो भिगो के छोड़ देना। फिर आप जो है बनाएंगे ना तो क्या होगा, गैस भी कम लगेगी और आपका टाइम भी कम लगेगा, तो इसलिए आपका टाइम और पैसे दोनों की बचत होने वाली है। तो ये टिप भी बहुत काम की है, टिप तो सारी ही काम की। अब आप बताइए आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो अब आ जाते हैं टिप नंबर 5 पे। तो टिप नंबर 5 क्या है कि आप जब भी चावल बनाए ना, तो हमें क्या करना है, अच्छे से इसको धो लेना है और रख देना है, जितना हमें पानी चाहिए बनाने के लिए उतना भर के रख देंगे। और फिर इससे क्या होगा, इस टिप से आपकी गैस बचेगी और जो है टाइम भी बचेगा आपका चावल पकाने का। तो क्या होगा, चावल फूल जाएंगे, पानी कम होगा, और फिर पानी जो जल्दी गर्म हो जाएगा, और आपके गैस और पानी और टाइम की बचत होगी। तो अब टिप नंबर आ गई है 6। अगर आपके पास टाइम कम है और चाहते हैं गैस भी बचे और जल्दी से हमारी सब्जी दाल कुछ भी बन जाए, तो क्या करना है आपको, ये जगह आजकल सबके पास होता है, विंटर में तो मोस्टली सब यूज़ करते हैं, तो आपको इसमें पानी गर्म करना है। और जब इसमें हमने कुकर में पानी डाल दिया, जल्दी से दाल हो गई है तैयार। अब सिर्फ इसमें 3 मिनट लगेंगे दाल को पकने में। तो क्या आपने 3 मिनट में दाल पकाई है, नहीं ना, तो इस तरह से पकाइएगा, आपका जो गैस भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा, और इस तरह से बनाइए। तो देखिए टाइम और पैसे की दोनों की बचत होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो बहुत काम की आने वाली है, और दुआओं में हमें याद करेगा, हम भी आपके लिए खूब दुआएं करेंगे। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।